हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नए एपिसोड के साथ में। सो लास्ट वाले एपिसोड में यार हमने फाइनली बहुत कुछ किया था, अपडेट 4 को थोड़ा एक्सप्लोर किया था और आज अपने को यार टीयर 7 और 8 को अनलॉक करना था। लास्ट टाइम हमने मशीनों को सेटअप कर दिया था। ओके सो अभी मैं खड़ा हुआ अपने हब पे, ओके, क्योंकि आज अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मोड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में कोई भी मोड वर्क नहीं कर रहा था। ओके सो अभी गेम का अपडेट आया है मोड्स की तरफ से। सो अभी कुछ मोड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। ओके जैसे उड़ने वाला मोड अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, अपन उड़ सकते हैं, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड जो डे नाइट का था उसके लिए मैंने एक मोड इंस्टॉल किया है, उसका नाम है इजी चीट करके। ओके ये वाला मोड है, ओके, जो स्पेस एलिवेटर पे लगा रहा था ना ऐसा ही यहाँ पे डिजाइन करा हुआ है। इसको बना के अपन और अगर इस पर हम जाएँ तो यहाँ पे देख रहे हो टाइम आ रहा है और इसके अंदर बहुत कुछ है चीट करने के लिए। सो अपन ज़्यादा चीट नहीं करेंगे इसको, लेकिन टाइम ऑफ द डे है ये, मैंने 12 बजा लिया है और टाइम को हमने यहाँ पे स्टॉप कर लिया। ओके सो इससे अपना जो है टाइम चलेगा नहीं, एक जगह ही रहेगा। ओके इसको कर देते हैं वापस से डिलीट। यार नाइस। ओके सो इसके अलावा जो अपने पास एक मोड था वो था, मैंने एक अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है साइन मोड, जिससे अपन साइन वगैरह लगा सकते हैं, मतलब बोर्ड वगैरह लगा के और उस पर लिख सकते हैं कुछ भी, कहीं पे भी अपन बोर्ड लगा के उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि लास्ट वाले एपिसोड में सर कन्वेयर बेल्ट नहीं थी, क्योंकि इन सबका मैनेजमेंट करने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किस लाइन के अंदर कितना रिसोर्सेज है वो याद नहीं रखा जाएगा भाई, क्योंकि इतनी सारी लाइनें हो गई हैं। और अभी मैंने ऑलरेडी जो ये अपना पूरा बायोम है ना, एक बार उड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको ऊपर चल के। ओके सो ये जो पूरा बायोम है देख रहे हो, मैंने सारे बायोम में जितने भी माइंस थी अपने वो सारी की सारी कलेक्ट करके और मैं ले आया हूँ पूरा मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, करीब ये वाला पूरा एरिया वहाँ तक और वो उसके अंदर तक ले आया हूँ मैं वहाँ से, और ये पूरा एरिया वहाँ तक का, ठीक है, ये सारा एरिया मैं गैदर करके लेके आ चुका हूँ इस वाली फैक्ट्री के अंदर अपनी, जो अभी अपन बनाने वाले। ओके सो अभी उन सबको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है कि किसके अंदर कितना रिसोर्सेज है, तो उसके लिए मैं मोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है, साइन मोड का, ताकि अपने लिए याद रहे आसानी से। ओके सो इसी को अनलॉक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे चल के, क्योंकि अभी अनलॉक नहीं है। ओके अपने पास सारे रिसोर्सेज है, बस अपने को पुट करना है ओनली, लेट्स सी। ओके अनलॉक हो चुका है, अब देखते हैं आया कहाँ पे वैसे है? न्यू बिल्डिंग्स, लेट्स सी। ओ भाई साहब अपना ड्रोन जा रहा है, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं भाई इसको जाते हुए, नाइस। ओके सो वैसे आया कहाँ पे होगा, आई डोंट नो, साइन मोड, ओ ये रहा नीचे रखा हुआ है, नाइस। सो यहाँ पे बहुत सारे जो अपने पास साइन मोड आ चुके हैं। ओके तो चलो इनका इस्तेमाल करके देखते हैं, सबसे पहले यही बना के देख लेता हूँ मैं, क्या यहाँ पे बन जाएगा ये, ओ नाइस। इसके बाद लिख सकते हैं 150, ओ बढ़िया, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इसका, तो टेक्स्ट का कलर है क्या है ये भैया, नहीं व्हाट इज दिस, टेक्स्ट कलर यही तो है, यस। ओके सो यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जितना भी अपने पास रिसोर्स है उस हिसाब से कि किस पे कितना रिसोर्सेज है वो सब अपने यहाँ पे सेट कर सकते हैं लिख के। ओके और ये बैकग्राउंड वगैरह भी इसका चेंज कर सकते हैं और साथ साथ में बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, सो अच्छा है यार ये, साइज़ वगैरह सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपन। ओके इसके बाद बैक हो जाते हैं और ये ज़बरदस्त रहेगा ये वाला मोड, ठीक है, क्योंकि अपन कोई भी शाइन अभी बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से हैं इसमें भी, बहुत सारे हैं बड़े वाले छोटे वाले, ठीक है। सो ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये दीवार पे लटकेगा क्या शायद से, हाँ। सो मीडियम साइज सीलिंग के लिए ये वाला, सो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं यहाँ पे। ओके ओके सो मे बी ये वॉल पे बनेगा वो ओनली ये डिलीट करना पड़ेगा, चलो ठीक है, ये साइन वाले का भी ट्राई करेंगे इस्तेमाल करने का। ओके अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो फिर नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लिची है। सो ये काम हो चुका अपना, और इसके बाद एक और मोड था एक्चुअली आइटम डिस्पेंसर का। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये एक
तरह की स्टोरेज है, लेकिन जैसे अपन किसी भी स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं ना, तो मैनुअली अपने को उसके अंदर जाके देखना पड़ता है कि भैया इसके अंदर है क्या। सो ये क्या करेगा कि उसके अंदर से थोड़ा सा रिसोर्स, एक रिसोर्स बाहर निकाल के रखेगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि भैया इसके अंदर है क्या, जैसे इस इमेज में दिखाया हुआ है। ठीक है, सेम सेम इसी तरह से। सो चलो ये माइलस्टोन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट 24 सेकेंड्स लगेंगे अपना पॉड वापस आने में, जब तक। ओह नाइस, वापस आ चुका है, बढ़िया। और इसकी लैंडिंग होने वाली है। ये नाइस, चलो ठीक है, अभी ये वाला भी अनलॉक मैं करवा देता हूँ। नाइस, ये 1 मिनट में वापस आ जाएगा। ओके, सो अभी कौन, यस ये वाला हुआ था, अभी बड़े वाला भी हम ये वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि ये इसकी साइज डबल है, इसके अंदर इन्वेंट्री स्लॉट्स हैं जो 48 हैं। ठीक है, सो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद एक लास्ट रिसर्च बचेगी जो अपनी थी गेम वाली, MK25 वाली। सो वो भी हम कर लेंगे, मैम के अंदर चल के देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं यहाँ पर रिसर्च करने को। सो अपने को एक ये बनाना था यार, ये भी मैं बना देता हूँ। ये था ऑब्जेक्ट स्कैनर, इसके लिए स्क्रू चाहिए होंगे, स्क्रू अपन बना सकते हैं, राइट। स्क्रू में बना के और फटाफट रेडी कर लेते हैं हम इसको भी। सो स्क्रू यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, यार 50 स्क्रू चाहिए थे। ओके, सो पॉड भी अपना वापस आ चुका है, 50 स्क्रू में बना लेता हूँ। ठीक है, 52 स्क्रू हो चुके अपने, और 3 2 1, नाइस, चलो वो हो चुका है। ये वाली कर लेते हैं मोटर, ठीक है, ये वाला भी हो चुका है अनलॉक, 1 मिनट लगाएगा, वापस आ जाएगा। अब तो बहुत काम करना है भाई इसको, बार बार आना जाना पड़ेगा। ओके, ऑटो सेव भी होने वाला अपना, उसके बाद अपन चलेंगे इस पे स्पेस एलिवेटर पे। ठीक है, सो यहाँ पे थे हम, और चलो स्टार्ट रिसर्च। ये नाइस, अनलॉक्ड। इसके बाद है होस्टाइल ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन। ओके, सो इसके लिए दोनों 5 5 चाहिए अपने को, मे बी ये तो अपने पास पड़े होंगे, राइट। एक पड़ा हुआ है यहाँ पे भाई, इसको उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है क्या? वैसे कौन सा वाला चाहिए था, रेड वाला चाहिए था, रेड वाला। ओके चलो, ये भी मैं रिसर्च कर देता हूँ, अपने पास सारे रिसोर्सेज है। नाइस, चलो नाइस, फाइनली ये भी अपन बना सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है पावर स्लॉट, कोर्स, कोर्स के लिए यहाँ पे, और नाइस, ये भी बना सकते हैं। ओके, सो मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर बना लिए थे ऑफलाइन, ठीक है, करीब 500 बना लिए थे, क्योंकि इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी भाई बहुत ज़्यादा। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी बना लिया है, ताकि अपन रिसर्च वगैरह कर सकें। ठीक है, सो ये 5 मिनट लगेंगे इसको होने में, तब तक अपन यहाँ पे चलते हैं मैम पे, और यहाँ पे चल के देख लेते हैं, सॉरी हब पे, पाइपलाइन वाला जो अपन ने अनलॉक नहीं करा था। सो मैं ये माइलस्टोन अनलॉक करता हूँ, सल्व करता हूँ पहले, सबसे पहले। इसके बाद अपन रिसोर्सेज फिल करना स्टार्ट करते हैं, और ये हो जाएगा लास्ट एंड डन। ठीक है, ये 10 मिनट में आएगा और वो 5 मिनट में आएगी। ठीक है, तो अपना काम हो गया। Improved pipelines and pumps can now be constructed, capable of handling increased throughput of any fluid, as well as providing increased pressure handling for better vertical transport, respectively. ओके चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो अपने पास हाई स्पीड वाला आ चुका है। सो ये तीनों चीज़ें अपने को बनानी थी, ठीक है, 2500, 500 और 100। सो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। ओके, और आज अपन ये वाला जो TRE अनलॉक करने वाले हैं, और अपने पास 150 स्लॉट्स वाला मोड तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया था। ठीक है, सो फालतू चीज़ें मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी अपन सामान भर के लाने वाले हैं यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, लेट्स गो, मोड का इस्तेमाल करते हैं और निकल लेते हैं स्पीड से। ओके, सो मैंने यहाँ पे जितनी मशीनें थी उन्होंने रिसोर्सेज बना दिया था अपना, और मैंने उसके बाद वो सारी मशीनें हैं जो बंद कर दी थी। ओके, सो यहाँ पे चल के देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है भैया। ओके, यहाँ पे ये बन रहा था मॉड्यूलर इंजन, सो अपने को ये 500 चाहिए। ओके, सो देखते हैं। ओ नो, सारा ले लिया मैंने, वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये वापस, अपने को ओनली 500 ही चाहिए। और इस तरफ क्या बन रहा था, यहाँ पे ये बन रहा था, सो ये अपने को मे बी 100 ही चाहिए था, राइट।
वन एंड टू ओके। और वर्सेटाइल फ्रेमवर्क, ये शायद कहीं नीचे बन रहा था यहाँ पे, ये अपने को 2500 चाहिए ओके। सो यहाँ पे आई डोंट नो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो मैं सारे उठा लेता हूँ ठीक है। सो अपने पास काफ़ी सारा आ चुका है। सो चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं अनलॉक ठीक है नेक्स्ट ईयर को। चलो अभी मैं फिल करना स्टार्ट करता हूँ ठीक है। सो 500 हो गए अपने ये, और ये हो जाएंगे अपनी मोटर ठीक है, सॉरी एडिप्टिव कंट्रोल यूनिट, और ये हो गया इंजन, और इसके बाद चाहिए अपने को वर्सेटाइल फ्रेमवर्क। सो 25 ये नहीं 2400 हुआ है, 100 और चाहिए, ओह माय गॉड 100 और चाहिए अपने को। सो एक बार फिर से जाना पड़ेगा 100 लेने के लिए। सो ध्यान नहीं दिया मैंने पहले, थोड़ी कम थी यार 100 उसमें से है ना, 2400 ही थी इन्वेंट्री में। चलो 2500 यस लोड करते हैं। सील सील हो गया, लोड तो हमने कर ही दिया था, अभी सील हो गया ये नाइस, अभी सेंड कर सकते हैं। सो टीयर 7 और 8 अपना अनलॉक हो जाएगा ये। ओ वाओ जबरदस्त भाई खतरनाक, यहीं तक दिखाई देगा ओनली ओके। सो मे बी अनलॉक हो गया होगा अब तो राइट। ओ वाओ द फाइनल फेज ऑफ अर्ली एक्सेस एम्प्लॉय ऑफ द प्लेनेट, वाओ ये सारी चीज़ें बना के और इसके अंदर भेजनी है, तो ये फाइनल होगा अपना ठीक है ओके ओके ओके। सो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे TS7 और 8 मे बी अनलॉक हो गया होगा। ओ यस TS7 और 8 अपना अनलॉक हो चुका है, चलो देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या है ओके। सो सबसे पहले TS7 में अपने पास आ जाता है बॉक्साइट रिफाइनमेंट का। सो इसके अंदर अपन एलुमिना सॉल्यूशन बना सकते हैं ठीक है, पैकेज एलुमिना को कर सकते हैं सॉल्यूशन को। उसके बाद एलुमिनियम स्क्रैप है, इंगट है, और हाई स्पीड वाली कन्वेयर बेल्ट जो अपनी बनती है 780 पर मिनट वाली, वो इसी से बनेगी एलगेड एलुमिनियम शीट से। सो उसके बाद नया रिसोर्सेज जो अपने पास आया था ठीक है, वो एक तो ये था पैक वाला ठीक है, और दूसरा था एलुमिनियम केसिंग का ये, और साथ में रेडियो कंट्रोल यूनिट तो थी पहले, और ब्लेंडर ये नई मशीन आई एक ठीक है। सो बेसिकली करती क्या है कि ये फ्लूड और बाकी के पार्ट को मिला देती है शायद, कुछ तो ऐसा ही है ठीक है, सॉलिड पार्ट्स इन वेरियस प्रोसेस। चलो इसको भी देखेंगे हम ठीक है। उसके बाद स्कैनर अपडेट आ जाता है ठीक है, क्रो कोड्स के लिए और बॉक्साइट के लिए। सो ये आ जाएगा अपना TS7 के फर्स्ट वाले इसमें। सो आगे चलते हैं लॉजिस्टिक MK5 बेल्ट जो अपनी खुल जाएगी यहाँ पे, और लिफ्ट वाली खुल जाएगी। उसके बाद आता है हैजमेट सूट, जिससे अपन जा सकते हैं जो भी जहरीला एरिया वगैरह, सॉरी जहरीला एरिया नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर जा सकते हैं इसको पहन के ओके। सो ये ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं एंड देखते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे कुछ ड्रोन्स वगैरह आ चुके हैं ठीक है, ये अपडेट्स 4K पार्ट हैं ड्रोन वाले ये दोनों, और असेंबली डायरेक्टर सिस्टम ये वाला जो कि अपन ने स्पेस एलिवेटर में देखा था कि फाइनल अपने को पार्ट जो भेजना था वहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं, एक ये छोड़ के पैकेज सल्फ्यूरिक एसिड मे बी आई डोंट नो पहले था क्या शायद ये। सो स्कैनर अपडेट और यहाँ पे बैटरी आ चुकी है, सुपर कंप्यूटर है, और ये है सबसे बेस्ट चीज़ है हावर पैक। सो मैं ट्राई करूँगा इसको जल्दी कर लूँ, क्योंकि ये हावर पैक है जो बहुत ही अच्छा, इससे अपन उड़ सकते हैं। सो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मोड से ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री स्लॉट है अपना नाइस। उसके बाद चलते हैं टीयर 8 पे, देखते क्या है। अभी जो न्यूक्लियर है वो टीयर 8 पे शिफ्ट कर दिया इन्होंने अपडेट के बाद में, और यहाँ पे बहुत कुछ नया भी आ चुका है। सो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर, ये एक नया प्रोडक्ट आया क्योंकि इन्होंने सारा रीबैलेंस करा है। पहले जैसे बनता था न्यूक्लियर प्लांट अपना पावर प्लांट, वैसे अभी नहीं बनेगा, अभी थोड़ा सा अपने को डिफरेंट करना पड़ेगा इन्हों सबको बनाने के लिए। सो उसके बाद चलते हैं एडवांस एल्युमिनियम प्रोडक्शन पे ओके। सो यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ नया ही आया लगभग, एक तो रिसोर्स वेल प्रेशराइजर आया ठीक है। अभी क्या है कि मैप के अंदर बहुत सारे नए नोड्स आ चुके हैं जिसके अंदर ये मशीन लगेगी, और उसके बाद ये लगेगा रिसोर्स वेल एक्सट्रैक्टर जो कि उनके अंदर से हाइड्रोजन वगैरह कुछ तो निकालेगा, ऐसा ही है मे बी ठीक है, देखना पड़ेगा वो अपने को चल के। सो उसके बाद है स्कैनर अपडेट वाटर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, और नाइट्रोजन गैस निकालेगा एक्चुअली ये
उस नोड के अंदर से। यहाँ पे एम्प्टी फ्ल्यू टैंक है, यहाँ पे पैकेज नाइट्रोजन है, हीट सिंक, कूलिंग सिस्टम, फ्यूज, मॉड्यूलर फ्रेम। ये भी नए पार्ट्स आए इसके अंदर। उसके बाद आता है आगे लीडिंग एज प्रोडक्शन, उसके बाद आता है टर्बो मोटर, माइनर एम के 3 आ जाता है यहाँ पे, वाओ, और थर्मल प्रोपल्सन रॉकेट। ये नया पार्ट है, ठीक है, थर्मल रॉकेट प्रोपल्सन वाला। इसके बाद चलते हैं पार्टिकल एनरिचमेंट, ये है फाइनल स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, जो कि सबसे लास्ट में है। ओके, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, यहाँ पे लगभग ज़्यादातर चीज़ें नहीं है एकदम सारी सारी, ठीक है। एक बार ऑटो सेव हो जाए उसके बाद अपन करते हैं डिस्कस। सब ऑटो सेव हो चुका है। यहाँ पे पहला पार्ट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये बनेगा नाइट्रोजन गैस से और वाटर को मिला के नाइट्रिक एसिड बनेगा। इसके बाद इसको पैक कर सकते हैं अपन विदाउट एनी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है नॉन फॉसिल यूरेनियम। ये यूरेनियम 238 इज नॉन फॉसिल, मीनिंग कैन नॉट यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन, इट कैन हावर कन्वर्टेड इंटू फिजन प्लूटोनियम इंटू द पार्टिकल एक्सेलरेटर। ओके, सबसे पहले अपने को ये बना के और पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर भेजना पड़ेगा, ये वाली मशीन के अंदर। ये एक नई मशीन आई है, बहुत ही बड़ी मशीन है और ये पावर भी ज़्यादा लेती है, भाई लिखा हुआ है ऑलरेडी, वार्निंग दी हुई है, पावर यूजेज इज एक्सट्रीमली हाई, अनस्टेबल एंड वेरियस पर रेसिपी। और उसके बाद प्लूटोनियम पैलेट आए हुए हैं, ये पहले ही था अपने पास, एनकेस्ट प्लूटोनियम सेल एंड प्लूटोनियम फ्यूल रोड ये अपने पास थी, बस इन्होंने मॉडल अपडेट कराया। इसके बाद कॉपर पाउडर आ चुका है नया, प्रेशर कन्वर्जन ट्यूब आ चुकी है, क्यूब, प्रेशर कन्वर्जन क्यूब। और उसके बाद आता है लास्ट न्यूक्लियर पास्टा। काफ़ी कुछ नया आ चुका है अभी गेम में, उस चीज़ का मज़ा अभी हम लेने वाले हैं, ठीक है। टीयर 6 तक अपना सब कुछ अनलॉक हो गया है, अभी उसके बाद अपने को टीयर 7 और ये सब अपने को वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अभी अपन आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, मतलब कि टीयर 7 रेट पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी अपने को फैक्ट्री पर वर्क करना है, अपनी स्टार्टिंग वाली फैक्ट्री पर। ओनली मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये अनलॉक कर लूँ, क्योंकि अपने पास सारा सामान नहीं है, ओनली ये चाहिए होगा अपने को 200, तो 200 मेरे को बनानी पड़ेंगे पहले, उसके बाद अपन ये अनलॉक कर पाएंगे। ओके, अभी अपन चलते हैं, थोड़ा उड़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने ऑफलाइन करीब बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ मैं, ये करीब 15-20 घंटे में भी लग गए इन सब का मैनेजमेंट करने में, ठीक है। जितने माइनर्स थे ना वहाँ पे सारे सारे माइनर्स मैं कनेक्ट करके, और जितनी भी लाइन है सारी 450 की लाइन करके लेके गया हूँ मैं, किसी के अंदर 450 का है, किसी के अंदर 480 है, किसी के अंदर कम है। वो सब मेरे को एक बार फिर से चेक करके, और जो अपने मोड वाला मोड इंस्टॉल किया था साइन वाला, उसका इस्तेमाल करके और लगाना पड़ेगा सबके ऊपर, भाई कौन सी कितने वाली लाइन है। सारी सारी लाइनें मैंने कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। ये देख रहे हो पूरा मैनेजमेंट के साथ में, ओके। और यहाँ से सारी सारी जितने भी माइंस है वो सब मैं गैदर करके लेके गया हूँ पूरा। हर एक चीज़ मैनुअली बनानी पड़ती है ना, पॉइंट कर करके कम ज़्यादा करके लाइनों में, और पूरा कंप्लीट बना दिया मैंने, ठीक है। इधर से ये एक माइन थी और इधर से सारी जा ही रही है अपनी उसके अंदर, ठीक है। यहाँ से सारा गैदर कर लिया मैंने एकदम कैलकुलेट करके, नो वरी, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, फास्ट चल भाई, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में कुछ माइनें थी कोल वगैरह की और आयरन की, कॉपर की, ये सब ले लिए मैंने यहाँ से, और कुछ लाइनें इधर भी थी, ये सारी की सारी मैंने यहाँ से ली हैं उधर जाने के लिए। लेट्स सी, ओके, जो कुछ लाइनें नीचे से जा रही है ना ये मैंने पहले मैनेजमेंट कर दिया था, कभी टाइम मिलेगा तो मैं इनको भी ठीक कर दूंगा। ओके, कुछ लाइनें इधर भी हैं जो इस बायोम के अंदर से आ रही हैं, ठीक है। सारी सारी मैं ले आया हूँ बना के पूरा, और यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करके, थोड़ा सा समझना मुश्किल है लेकिन मैंने पूरा एडजस्ट करके और बना दिया, ठीक है। और पूरा इसके अंदर से ले जाके और पूरा हाइट पे ले गया हूँ मैं, ओके, यहाँ पे इन कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए, लिफ्ट के जरिए और ऊपर तक ले आया हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से अपन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस तरफ की लाइनें थी जो, एक लाइन इधर भी है ये वाली, ठीक है। इधर की जितनी माइनें वो सारी इसके अंदर लाइन से आ रही हैं, पूरे पिछले वाले बायोम तक सारी सारी मैं ले आया हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि अभी अपन धीरे धीरे फैक्ट्री है जो बनना स्टार्ट होएगी, ओके। और बाकी सारा मैनेजमेंट मैंने सही करा है, बस एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है, वो चीज़ क्या है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक जो अपना मैनेजमेंट है वो एकदम सारा परफेक्ट है, पीछे कोई ग्लिच नहीं है, लेकिन इसके अंदर ग्लिच है बहुत, ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। मैंने क्या किया कि एक दूसरे के अंदर घुसा दी लाइन ने, ठीक है, देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, वैसे पर कर सकते थे, बट मैंने ज़्यादा टाइम लगा नहीं इसको करने में, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता फिर, इसी चक्कर में मैंने नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे के अंदर ग्लिच हो रही लाइन है, नो प्रॉब्लम, अपनी लाइनें सारी सारी ऊपर तक पहुँच जाएंगी, ठीक है। यहाँ से सारी कन्वेयर लिफ्ट के जरिए मैं लेके गया ऊपर तक, एक लाइन यहाँ से भी आ रही है इसके नीचे से,
बहुत टाइम लगा, सारी 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 माइनें मैंने गैदर कर ली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ले आया हूँ ऊपर तक, पूरी पूरे रिसोर्सेज के साथ में यहाँ तक आ चुकी है। अभी अपना जो नेक्स्ट काम है ना वो है इन सबसे इंगट वगैरह बनाना। इन सभी लाइनों को लेके जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये लाइन तो सभी ऊपर चढ़ाने के लिए है, ठीक है, इधर वाली तो। यहाँ पे बहुत सारा एरिया पड़ा हुआ अपने पास, इस वाले एरिया का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे फैक्ट्री बनाने वाले हैं। ओके, मे बी नेक्स्ट वाला एपिसोड बनाएंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये वाला एपिसोड सिर्फ अपडेट के लिए था। अभी मेरे को थोड़ा सा और वर्क करना बाकी है, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी लाइनें आ रही हैं ना, मेरे को एक बार हिसाब का रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना है, फिर उस हिसाब से अपन फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर अपन चाहें तो नॉर्मली अभी थोड़ा देख सकते हैं फैक्ट्री का वैसे, ठीक है। नॉर्मली अपने को जाना है प्रोडक्शन पे, और सबसे पहले यही देखना है कंस्ट्रक्टर से ही बनाएगा। ओके, अभी मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अपना एक मोड इंस्टॉल किया था मैंने स्मार्ट फाउंडेशन के नाम से, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ना, तो यहाँ पे देख रहा हूँ एरो दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एल्ट प्रेस करके बनाऊंगा ना, तो एक साथ अपन बहुत सारी फाउंडेशन जो बना सकते हैं, और साथ ही साथ हाइट पे भी मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इधर बनाने तो इधर बना सकते हैं, अपोजिट साइड बनाने तो अपोजिट साइड भी बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारी फाउंडेशन जो अपन बना सकते हैं, ठीक है, इस वाले मॉडल के जरिए। सेम टू सेम यही चीज़ लागू होती है मशीन के ऊपर। मान लो अपनी यहाँ से इनपुट होएगा, अपोजिट साइड आउटपुट जाएगा, ठीक है। मान लो एक मशीन मेरे को यहाँ पे बनानी थी, मैं क्या करूँगा कि इसकी डायरेक्शन पहले चेंज करूँगा अपोजिट साइड, या शिफ्ट प्रेस करके। जितनी मशीनें बनानी है एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बन जाएंगी अपनी, और ऊपर कॉर्नर पे दिखाएगा भाई कितनी मशीनें बन चुकी हैं। वो सब अपने यहाँ से कैलकुलेट करके बना सकते हैं। चलो एक कंस्ट्रक्टर पे चल के देख लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर जो कितना रिसोर्स लेता है इंगट बनाने के लिए। इंगट रियली, इंगट किससे बनता है भाई? आयरन प्लेट इस पर इंगट नहीं दिखा रहा रियली। ओ इंगट तो इससे बनता है ना, स्मेल्टर से भाई। एक तो बहुत दिन बाद गेम खेलो ना, तो ये सीन होता है, भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लो इंगट मैंने सेट कर दिया, ठीक है। 30 पर मिनट चाहिए एक को, ठीक है। मतलब 15 मशीनें जो है चला लेगी आराम से 450 की लाइन को, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ मशीनें बना के थोड़ा टेस्टिंग हो जाए फिर। वेर इज असम स्मेल्टर, सॉरी ये रहा। मान लो एक स्मेल्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, अपनी लाइन यहाँ से आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ मान लो। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस तरफ 100, 13, 14, 15 लाइन है, ठीक है, 15 मशीन है। यहाँ पे 15 मशीन बन चुकी है, और इसको पास ले के आते हैं एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट, उसके बाद करते हैं ओके सारी सारी मशीन एक साथ, ये नाइस। ओके, चलो अभी देखते हैं ये क्या इस स्प्लिटर पे वर्क करेगा। ओके, स्प्लिटर अपना आएगा इस तरफ से, लेट्स सी, एकदम इसके ऊपर ही रख लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उधर, नहीं स्पेसिंग पर अगर इसके अंदर देनी हो तो कैसे देंगे हम लोग, उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा स्पेसिंग देने के लिए। अगर नहीं यूज से तो ऊपर नीचे होएंगे ये सारे, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करने हैं अपने को। क्या करना था, पी दबाऊंगा तो क्या होगा, ओह पी से स्पेसिंग दे सकते हैं। ओके, मान लो ये यहाँ पे है, तो पी होल्ड करके और देखते हैं इसकी अलाइनमेंट में आया क्या। ओके, एकदम परफेक्ट आया ना, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मतलब कि 2 मीटर का अपने को स्पेसिंग देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एच दबा के मैं बाहर आता हूँ, फिर से अलाइन करता हूँ, और अब भी अभी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 चाहिए थे अपने को, 15, एंड यहाँ पे आ जा, शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँगा ना तो ये हिलेगा नहीं, अदरवाइज ये छोड़ते ही भाग जाएगा दूर, ठीक है। इससे अपना जो है काम आसान हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, नाइस। अभी इन सबको कनेक्ट तो अपने को मैनुअली करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करने का कोई आई डोंट नो कि अपने आप कनेक्ट होता है क्या। वो सब देखना पड़ेगा, ऑटो कनेक्ट वाला भी, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपोजिट साइड आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अपने को करना था एक्चुअली। अभी इस मोड को डालने से ना पंगा एक हो गया है कि अपना जो व्हील वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि पहले होता क्या था कि ई प्रेस करके और अपन व्हील खोल सकते थे, इधर ही स्प्लिटर
और दो तीन तरह के जो स्प्लिट है वो सारे सारे आ जाते हैं इधर ही। अपने को मैनुअली इसके अंदर नहीं जाके देखना पड़ेगा, अब भी मैनुअली जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। सो कन्वेयर मर्जर अपने को चाहिए होगा यहाँ पे। सो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंड पी दबाता हूँ मैं यहाँ पे, और 2 मीटर का स्पेसिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। स्पेसिंग एंड फिर से शिफ्ट दबा के, और 15 14 15 एंड वापस वापस डन, देख रहे हो। सो इससे थोड़ा अपना काम इजी हो जाएगा, बिल्डिंगें बनाना वगैरह वो सब, ठीक है। इन सबको कनेक्ट करके और ओके, सो इससे अपना काम थोड़ा है जो और आसान हो जाएगा, अपन फटाफट जो है मशीनें बना सकते हैं, ठीक है। सो ये सब अपन बनाएंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, इन सबको कनेक्ट करके, और वो सारी लाइनें मेरे को यहाँ पे लेके आनी पड़ेंगी ताकि मैं रेडी करके रखूँगा लाइनें, अपन फटाफट सबके अंदर कनेक्ट करें और अपना प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाए। सो मैंने बना तो दिया ये इधर, ऐसे सेम टू सेम अपने को सेटअप बनाना है। सो अगर अपन चाहें तो अपोजिट साइड भी ऐसे ही बना सकते हैं। सो सीधा ये उठा के इधर रखने का है, ठीक है, और उसके बाद सीधा बना देते हैं अपन यहाँ से। मान लो दूसरी लाइन का भी अपने को यहीं से प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। सो इतना स्पेस देके मैं बना सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बनाना चाहे तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, सिंपल। इसके बाद पी दबाएंगे, स्पेस देंगे सबके अंदर 2 मीटर का, और 15 14 15, सिंपल, नाइस। उसके बाद मशीन कॉपी करेंगे इधर से, और ये वाली मशीन आ जाएगी एकदम यहाँ पे, राइट। उसके बाद ये वाली मशीन तो एकदम परफेक्ट आएगी, एक ओनली, कुछ नहीं करना। 15 डन, और अपोजिट साइड बना लेते हैं। सो ये आ जाएगा पीछे। सबसे पहले कर लेते हैं 14 15, ठीक है, और इसके अंदर स्पेसिंग दे लेते हैं 2 मीटर का, उसके बाद कर देते हैं ओके, इजी। अभी इतनी सारी मशीनें बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, सो इस मोड की वजह से फटाफट अपन बना सकते हैं, बस अपने को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा मैन्युअली। सो यार मेरे को वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिया तो हुआ है मे बी मोड के अंदर। सो देखते हैं, एम प्रेस करके, एम प्रेस वर्क नहीं कर रहा। सो अभी वर्क करेगा ओके। सो यहाँ पे दिया तो है ऑटो कनेक्ट टू बिल्डिंग्स, कनेक्ट स्प्लिटर मर्जर्स पोल विद बेल्ट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और बनाऊँ तो आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा कि नहीं। सो ये सब मेरे को मैनुअली टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। सो आई होप ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फाइनली हमने Tier 7 रेट अनलॉक कर लिया है, और थोड़ा मोड का टेस्टिंग वगैरह भी हमने आज कर लिया है, और साथ ही साथ कुछ मोड्स अपने अनलॉक भी करे थे, राइट। वो भी देखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक ओके। यहाँ पे पाइप अपना जो आ चुका था, ठीक है, और ओ यहाँ पे ये चीज़ मैं बात कर रहा था, आइटम डिस्पेंसर की, ओके। सो इसको बना के देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह की स्टोरेज, ये छोटी सी, ठीक है। देख लेते हैं इसके अंदर कितना स्पेस है। व्हाट इज दिस टर्न ऑफ पार्ट स्टैक्स इन लिमिट मोड, ठीक है, स्टैक्स डिस्पेंस। ओ आई डोंट नो, कुछ समझ से बाहर है ये मेरे, ठीक है। मान लो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ओ ओके 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 ओके, यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर ओके। मान लो मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ, थोड़े यही छोड़ देता हूँ, तो इसके अंदर ये क्या करेगा कि बाकी सारी इसके अंदर स्टोर कर लेगा ओके, और आगे एक दिखा देगा कि भैया कि इसके अंदर ये है। सो अपने को जाके सबके अंदर मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा। सो फटाफट देखेंगे जहाँ पे भी अपन स्टोरेज बनाएंगे अपना मेन हब पे। सो वहाँ पे फटाफट चेक करेंगे किसके अंदर क्या है, और जो रिसोर्सेज चाहिए अपन अपने को उसके अंदर से जाके ले सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। और अभी देख रहे हो दूर जाते हैं मशीनें, देख रहे हो जो वो डिस्पोन हो जाती हैं, ठीक है। सो इससे थोड़े FPS वगैरह थोड़े ठीक आएंगे, ठीक है। इन्होंने ये नया अपडेट करा है, जैसे जैसे मैं और पीछे जाऊंगा और ज़्यादा मशीनें गायब होने लग जाएंगी। लेट्स सी, ओ ये क्या बकचोदी है भाई, स्पॉन हो रही हैं अभी, नहीं हो रही अभी, हो रही हैं, ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है। सो चलो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और अपना मैनेजमेंट वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। सो आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करना मत भूलना कि अपने को आगे क्या करना है, या फिर आपके पास कोई कुछ सजेशन हो बिल्डिंग के लिए, या फिर डिजाइन कैसे बनाना अपने को। सो वो सब आप डिस्कस कर सकते हो चैट में, सॉरी कमेंट सेक्शन।